लो जी, बराबर से अच्छे से दुकान लग गई है, ठीक है। अब जब बराबर से अच्छे से दुकान लगती है तो फिर बराबर से अच्छे से खाना ही बनाना होता है। तो बराबर से अच्छे से जिस तरह मैं ऑलरेडी खाना खा रहा हूँ, जिस तरह मेरी भूख ऑलरेडी बढ़ रही है, उसे देख के आपको पता लग गया होगा कि भाई कुछ चाट चटोरे वाला मामला बनने वाला है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाएंगे एकदम चटोरी चाट वाली राज कचौड़ी। शुरू करें। तो ये राज कचौड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए ना राज ना कचौड़ी है, मतलब राज जो है वो पिक्चरों में थे, अब कहाँ हैं। लेकिन उसके लिए आपको चटनी ज़रूर चाहिए। चटनी सबसे पहले बनने के लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो चटनी जो है वो इमली की चटनी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सब लोग बोलते हैं रणवीर आप हर बार रेडीमेड चटनी यूज़ कर लेते। देखिए इमली की चटनी बना के दिखा रहा हूँ और साथ में हरी चटनी की रेसिपी बता रहा हूँ, फिर मतलब ये मत कहिएगा कि ठीक है। तो भाई पानी, इमली और गुड़, ठीक है, इसका एक बेसिक मिश्रण बना लेना है। इसको धीमे धीमे प्यार से मोहब्बत से पकाना है जी। मतलब जब तक राज कचौड़ी बनेगी तब तक अपनी चटनी बन जाएगी। कुल मिला के इस चटनी को आप आधा घंटा दीजिए, अच्छी बनेगी। और उसके बाद 2 महीने तक कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब कचौड़ी बनाने के लिए आटा गूंदना है। अब आटा गूंदने के लिए हमको चाहिए मैदा और सूजी, सूजी और मैदा। अच्छा, मैदा और सूजी बराबर बराबर है, 50-50। थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक, पानी और ये ऑप्शनल है, हल्दी का पानी या पीला रंग ले सकते हैं। अब जो इसका डो बनाना है ना जी, वो ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा नरम, मतलब मीडियम बनाना है। वो टाइट अपने आप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सूजी है ना, सूजी का काम है पानी पीना। सूजी बहुत खुश्क होती है। सूजी जब गूंधेगी तो सूखेगी, सूखेगी तो अपने आप डो को टाइट कर देगी, है कि नहीं भाई। कई जगह पे मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि ये डो बनाया और डो बनाने के बाद इसको कर दिया फ्राई और फिर बोला कि ये लीजिए हो गई आपकी राज कचौड़ी। वो राज कचौड़ी थोड़ी ना हुई फिर, वो तो राज पूरी हो गई ना। पूरी और कचौड़ी में क्या फ़र्क है भाई? पूरी और कचौड़ी में फ़र्क ये है कि कचौड़ी होती है स्टफ्ड और पूरी होती है सादी। तो अगर आप इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे तो फिर उसको राज कचौड़ी की चाट मत बोलिए, उसको बोलिए राज पूरी की चाट। है कितनी अच्छी लग रही है उबलती हुई इमली, देखिए कैसे मुस्कुरा रही है एकदम। पर हाँ, जो भी नीचे कमेंट लिखने वाला ना कि रणवीर ये शर्ट में तो आपने पहले खाना बनाया हुआ है, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, बाकी क्या है, है कि नहीं। ये लीजिए फर्स्ट क्लास प्रोग्राम सेट है। 10 मिनट के लिए छोड़ दें इसके हाल पे, क्या था वो गाना, इसे छोड़ दो इसके हाल पे, बाकी काम कर लो भाई। तो जी अब पूरी को कचौड़ी बनाने के लिए हम बनाएंगे स्टफिंग। अब स्टफिंग बनाने के लिए बेसन, अब डालनी है मिर्ची, अब मिर्ची ठोक के, बेसन में गई मिर्ची, नमक, थोड़ा सा घी, क्यों? क्योंकि घी हमारा प्रिय मित्र है, धनिया और घी। मिर्च के मामले में नहीं शर्माना, हाँ, वरना ये शर्माते रहेंगे आप और गाड़ी जुड़ जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने चाट है, चाट के बाद जब तक करके पानी ना मांगे आदमी और फायदा ही क्या है। और अब पानी, नाइस। अभी क्या है, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट मतलब इमली घुल गई, गुड़ घुल गया, थोड़ा दोनों ने एक साथ डांस कर लिया 5-7 मिनट। अब इसके अंदर मसाले वसाले डालने हैं ताकि बाकी के फ्लेवर्स जो हैं इसके अंदर धीरे धीरे इन्फ्यूज़ हो। मसाले आप अपनी श्रद्धा अनुसार डाल सकते हैं, लास्ट में इसमें हम तड़का भी लगाएंगे, लेकिन कम से कम मिर्च, नमक और अदरक, ये 3 कॉम्बिनेशन शुरू शुरू में डाल दीजिए ताकि वो उनका फ्लेवर मैच्योर होता रहे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं गीला हाथ मार रहा हूँ ताकि वो जो डो ढल रहा है उसको पानी मिलता रहे ढलने के लिए। तो एक बार फिर जादू से जो है वो तेल अपने आप आ गया है। ये चटनी का प्रोग्राम चालू रहना चाहिए ना।
और देखिए अभी मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं करी है चटनी, क्योंकि इसको गाढ़ा करेंगे तड़का लगाने के बाद। अगर आप पहले गाढ़ा कर देंगे तो अच्छे से छनेगी नहीं, है ना। चटनी का जो मेन मुद्दा है वो छन्नी में रह जाएगा, बोल में कुछ नहीं आएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसलिए पहले थोड़ी पतली रखें, छाने और उसके बाद गाढ़ा करें। ब्यूटिफुल। अभी क्या करना है, अभी लगाना है तड़का। अब ये जो तड़का है आपको लगाना है तिल के तेल में, अगर सर्दियों में तिल के तेल में, अगर तिल का तेल नहीं है तो आप रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो भाई सौंठ और तिल का जो मेल है वो कमाल है। तो तड़के के लिए सौंफ, जीरा और सूखी लाल मिर्च। अभी कुछ नहीं, अभी इसको 5 मिनट तक बॉयल करना है, थोड़ा गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बाकी गाढ़ी ठंडी होकर हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर डालने हैं केले और इसको फ्रिज में डाल देना है जी। एक उबाला दिया और डन। अब ये मेरा फेवरेट पार्ट है भाई, वो इमली की चटनी क्या कि जिसमें स्लाइस केला मुंह में ना आए, और स्लाइस केला जो है गरम गरम में डालिए। हाँ, टाका पड़ेगा जी, अच्छा वाला। चलो अभी भाई, ये भी रेडी, वो भी रेडी, सब रेडी। अभी क्या करना है, अभी बनानी है कचौड़ी, ठीक है। अच्छा मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ इसको रेस्ट देना तो है ही है, साथ में डो जो है अगर आप शुरू में ही टाइट बना देंगे तो बाद में आप उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए डो को ढीला रखिए। और ये एक वो कचौड़ी है जिसको तलते समय सूखा मैदा लगाया जाता है, जिसको नहीं तो आमतौर पे पूरी कचौड़ी में सूखा मैदा नहीं लगाते, और सूखा मैदा सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका डो थोड़ा ढीला होता है। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब बस बेलते जाना है और तलते जाना है, बस बस। ए लीजिए, क्या बात, बस यही है राज कचौड़ी की कथा व्यथा जो भी है वो यही है बस। अब ये वाला काम थोड़ा पेशेंस वाला है, ठीक है, क्योंकि कचौड़ी है हा? तो इसलिए वक्त लगेगा तलने में, वो पेशेंस रखिएगा, और तेल जो है वो मध्यम रखिएगा, मीडियम रखिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैमरे के पीछे वाली दुनिया खुश हो चुकी है जी, राज कचौड़ी का साइज देख के सारे खुश हो गए कि चलो थोड़ा बहुत तो मेरे हिस्से भी आएगा। है ये हुई ना जी राज कचौड़ी, हैं, वाह भाई वाह, वाह भाई रणवीर बराड़। ये देखिए ठंडी हो गई कचौड़ी, लेकिन ठीक है, ये ज़रूरी है माइक के पास लाके ऐसे ऐसे करना ज़रूरी है, पता है क्यों, उससे व्यूज़ बढ़ते हैं। हरी मिर्च, धनिया, प्याज, उसके बाद आलू, चना, टमाटर डालना चाहें टमाटर डाल दें, थोड़ी पापड़ी, वो सब मिक्स करके बीच में डाल दें, और वो मेरा वाला स्पेशल चाट मसाला बनाना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो हम चाट बनाते नहीं, याद होगी ना रेसिपी, एक भाग जीरा, एक भाग सौंफ, लगभग आधा भाग धनिया और एक भाग काली मिर्च, कम से कम काली मिर्च चाहें थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बाद में उसके अंदर लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर लेंगे, और पीसते टाइम हमेशा थोड़ा सा नमक, क्यों, उससे जो है अच्छा पिसता है, और नमक जो है वो फ्लेवर्स खींच लेता है मसालों के, लॉक कर लेता है फ्लेवर्स। ये फीलिंग जो है ना, इसका प्रोपोर्शन आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी श्रद्धा अनुसार कर रहा हूँ। अब तो बहुत सिंपल है, हाँ बस सब कुछ एक साथ डालना है। मेन कचौड़ी में और राज कचौड़ी में फ़र्क ये होता है कि राज कचौड़ी में बनारस की खुशबू है, और जो असल कचौड़ी है उसमें मारवाड़ की खुशबू है, राजस्थान की खुशबू है, हाँ। और जब कोई चीज़ बनारस आती है तो उसमें चटनियाँ, दही और बहुत सारी चाट वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए बाकी सब कचौड़ियाँ कचौड़ियाँ हैं, राज कचौड़ी कचौड़ी नहीं है, राज कचौड़ी चाट है, इसलिए राज कचौड़ी बनारस की है और कचौड़ियाँ जो हैं वो राजस्थान की है। सेवेंटी थर्टी तक आप जा सकते हैं, 70% रवा,
30% मैदा, यहाँ तक आप जा सकते हैं राज कचौड़ी के लिए, तो भी राज कचौड़ी अच्छी बनेगी, ठीक है। 50-50 इज सेफ, 70-30 इज पक्का। मेरा प्रिय मित्र धनिया, जिसके बगैर मैं कहीं नहीं जाता, अभी तक क्रिप्सी है, देखो जी, बनाई, उसके बाद फोटो खींची, उसके बाद वीडियो बनाए, तब से यहां पड़ी हुई, अभी तक क्रिप्सी एकदम, ये देखिए, है ना क्रिप्सी करा रही, आपको ये नहीं कह सकता कि क्रिप्सी नहीं थी, है ना, तो इंतजार मत कीजिए, बनाइए, है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ देख देख के पेट नहीं भरता, खाना खा के पेट भरता है, ठीक है। और हाँ, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, हो सकता है नमक ज़्यादा हो जाए सब्सक्राइब ना करें तो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओह हो, बल्ले भाई रणवीर बराड़, ओह हो,